एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर गैरेज। और आज आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो क्या होने वाला है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इस स्प्लेंडर बाइक की मॉडिफिकेशन से रिलेटेड होने वाली है। इससे पहले मैंने अपनी बाइक की मतलब रिव्यू दिया था आपको, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा होगा इधर, आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। और मैंने उसमें बोला था कि मतलब हमने इस वाली बाइक पर काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस भी करवाई हुई हैं, तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाली है कि आपको मतलब कौन सी मॉडिफिकेशन सबसे पहले करवानी चाहिए। और मैं आपको प्रोसेस भी दिखाऊंगा कि मतलब कैसे कैसे होती हैं ये सब मॉडिफिकेशंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मतलब कौन कौन सी मतलब मॉडिफिकेशंस आपको करवानी चाहिए जो कि लीगल हैं। तो गाइज ये बाइक 2021 मॉडल है, बाकी हम ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे क्योंकि इस पर तो मैं ऑलरेडी ही वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको सिंपल पहले बता देता हूँ कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस इस बाइक पर हुई हैं और फिर मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि इनको मतलब इनको कराना वर्थ है या नहीं है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ पूरी बाइक पर स्मोक लेमिनेशन हो रखी है और यहाँ पर मतलब आप वाइज़र देखोगे तो वाइज़र पर मतलब मैट यहाँ पर टेप लगी हुई है, उस पर ये स्टिकर्स वगैरह हैं। और मतलब बारी पूरी बाइक स्मोक टेप लेमिनेशन कराई गई, मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर, इस पर, वाइज़र पर, और बस। और यहाँ पर एक ये एच रेड कराया है, यहाँ पर ये कुछ स्टिकर्स हैं, वहाँ पर स्टिकर है, और यहाँ पर ये एक रस्सी लगाई गई है। फिर आपको बताऊँगा कि सारी चीज़ें वर्थ हैं या नहीं और कितना टाइम हो चुका है इन्हें कराए हुए। तो सबसे पहले आप इसका प्रोसेस देख लीजिए। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने इस बाइक का जो मतलब वाइज़र है उसको मतलब मैट करा दिया है। ये ब्लैक मैट टेप है जो कि इसके ऊपर अभी ये भाई लगा रहे हैं, देख सकते हैं गाइस। और उसके बाद फ्यूल टैंक के ऊपर स्मोक लेमिनेशन लगाई जा रही है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। और गाइस आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप स्मोक लेमिनेशन करवा सकते हो या फिर आप ट्रांसपेरेंट लेमिनेशन भी करवा सकते हो। हम इस बाइक पर स्मोक लेमिनेशन करवा रहे हैं। और सबसे पहले ये शैम्पू सॉल्यूशन को मतलब पूरी टेप के ऊपर और पूरे फ्यूल टैंक के ऊपर ऐसे स्प्रे करते हैं जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा होगा। और उसके बाद फिर इसको ये इस टेप को इसके टैंक के ऊपर अप्लाई करते हैं। और गाइस आप इसके फाइनल रिजल्ट के लिए ज़रूर वेट करना वीडियो के एंड तक। गाइस काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं जहाँ पर मतलब इस स्मोक टेप को मतलब हाफ हाफ करके लगाया जाता है, तो गाइस आप वैसे मत लगवाना, वो जल्दी ही रिमूव हो जाती है और अच्छी भी नहीं लगती। तो गाइस आप ऐसी जगह से करवाना मतलब जो मतलब वन पीस में ही इस स्मोक टेप को पूरी टैंक के ऊपर लगा दे, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में। और गाइस वीडियो को ज़्यादा ना लंबी करते हुए मैं आपको अभी आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस इस साइड से पूरा टैंक कंप्लीट हो चुका है, फ्यूल टैंक, और इस साइड से ये भाई इसकी कटिंग कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे मतलब पहले भी विजिट कर चुके हो और आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि जो स्मोक लेमिनेशन होती है इसमें थ्री लेयर्स होती हैं। तो गाइस आप देख सकते हो अब इसकी फाइनल लेयर ये भैया हटा रहे हैं। और गाइस इसके बाद आप इसका लुक देखना, बिल्कुल एक नंबर हो जाएगा। तो गाइस आप देख ही सकते हो शाइन तो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और गाइज आप देख सकते हैं कि इन भैया ने कितनी ज़्यादा फिनिशिंग से लगाया है, कहीं पर भी एक भी बबल नहीं आया है पूरी टेप के अंदर। तो गाइज ये काम बहुत अच्छा करते हैं ये भाई, अगर आपको भी कराना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनकी शॉप का एड्रेस दिया है, आप वहाँ पर आके काम करा सकते हैं, आपको पक्का ये कोई ना कोई ऑफर देंगे और डिस्काउंट भी। स्मोक टेप को कट करने के बाद अब ये उस मतलब जहाँ से इन्होंने कट किया है वहाँ पर ऐसी टेप लगा देते हैं ताकि मतलब ये रिमूव ना हो। और अब गाइस इसके दूसरे जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं ये भैया उन्हें भी स्मोक कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हो। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमने रस्सी मतलब खुद ही लगा ली थी क्योंकि भैया के पास थोड़ा टाइम कम ही रहता है।
इसको लगाना गाइस कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस आपको ऐसे लपेटते जाना है इसको, बस आप ही जो रस्सी लो मतलब क्वालिटी अच्छी लेना उसकी, वरना तो थोड़े दिन बाद ये टूट भी सकती है या फिर इसका मतलब कलर फेड हो सकता है, तो आप मतलब रस्सी बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की लेना। उसके बाद गाइस जो फ्रंट का मड गार्ड होता है उसके ऊपर ग्लॉस ब्लैक टेप लगा रहे हैं ये भैया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इस पर स्क्रैच आने का मतलब सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। और गाइस उसके बाद जो मतलब इसका टैंक है उसके लुक्स को इनहेंस करने के लिए हम इसके एच को रेड करवा रहे हैं, ताकि इसके लुक्स अच्छे हो जाएं, थोड़ा सा मतलब सिंपल ना लगे। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इस बाइक को लिए हमें सिर्फ ये 2 से 3 घंटे ही हुए हैं, और मैं इसको मतलब लैमिनेशन के लिए यहाँ पर शॉप पर ले आया, क्योंकि गाइस ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, और बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और गाइस अगर आपके मन में प्राइस वगैरह से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यहाँ पर आपको इन भैया के शॉप का कार्ड शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, आप उस पर इनका नंबर भी लिखा हुआ है, आप इनसे कंफर्म कर सकते हैं। बाकी मैं आपको मैं भी बता देता हूँ कि मतलब हमने इनको मतलब कितने पैसे दिए हैं इस सारे काम के। और गाइस प्राइस मैं आपको बताऊं तो मतलब फुल बाइक लेमिनेशन का प्राइस होता है 1000 रुपीज़, जिसमें फ्यूल टैंक भी स्मोक करते हैं ये, और जो फ्रंट वाला मड गार्ड होता है वो भी, वाइजर भी, और जो पीछे का मतलब टेल लाइट के ऊपर का पार्ट होता है वो भी, और जो साइड में जिसपे स्प्लेंडर की बैजिंग होती है जिसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वो भी। तो मैंने मतलब मेन मेन चीज़ स्मोक कराई हैं, क्योंकि मैंने वो नहीं करवाए हैं मतलब जैसे टेल लाइट के ऊपर वाला पार्ट है वगैरह, क्योंकि उस पर इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा जो मतलब स्मोक स्मोक का जो बिल आया था वो आया था 700 रुपीज़, और बाकी जो मतलब मीटर पे स्मोक किया है और बाकी जो स्टिकर्स वगैरह हैं ये मतलब भैया ने मतलब स्कीम चलाई हुई है, या फिर आप ऑफर भी बोल सकते हैं कि जो मतलब बाइक लेमिनेशन कराते हैं उनको ये स्टिकर फ्री में ही देते हैं। बाकी जो मतलब आपको मतलब रस्सी के लिए अलग से पे करने होंगे पैसे, और जो आप रेडियम टेप देख रहे हो मतलब टायर्स पर इसके भी आपको अलग से पे करने होंगे। और जो रस्सी जो लगाई थी उसका प्राइस मैं आपको बताता हूँ, उसका प्राइस आपको 150 से 200 रुपीज़ के बीच में पड़ेगा, वो इसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उस वक्त वो इनके पास है या नहीं है। और बाकी काम तो आपने इन भैया का देखा ही होगा कितना ज़्यादा अच्छा काम करते हैं ये। और गाइस जो ये रेडियम की हमने स्ट्राइप्स बनाई हैं ये बाइक चलते हुए गाइस बहुत ही ज़्यादा औसम लगती हैं, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आपने सारा प्रोसेस देख ही लिया है कैसे कैसे मतलब कैसे होता है ये सारा काम, और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कराना वर्थ है या नहीं है। तो गाइज इसको कराना टोटली वर्थ है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो शाइन तो कितनी ज़्यादा बढ़ी जाती है इससे, देखो कितनी ज़्यादा शाइन बढ़ गई है, और मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा है इसका स्मोक लेमिनेशन का, बिल्कुल भी स्क्रैच अगर आएंगे तो इसके ऊपर आएंगे, पेंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और दूसरा ये है कि मतलब इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, साफ़ बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है अभी, बिल्कुल एक कपड़ा मारती है बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और ये आप रस्सी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रस्सी उन्होंने हमें दी थी ये वाली, मतलब इसको कराए हुए 3-4 महीने हो चुके हैं, और आप देख सकते हो क्वालिटी अब तक बिल्कुल ब्लैक की ब्लैक है, और बाइक यूं भी नहीं है धूप में भी खड़ी रहती है। तो आप मतलब जहाँ से भी काम कराओ तो किसी रिलायबल शॉप से कराना, और जो ये स्मोक लेमिनेशन होती है आप मतलब इसकी गारंटी वारंटी वगैरह देख कर ही शॉप से मतलब काम कराना। और बाकी आप यहाँ पर ये स्ट्राइप्स देख सकते हो, 3 स्ट्राइप्स हैं यहाँ पर, ये कोई स्टिकर है। और गाइस जो ये स्टिकर्स आप देख रहे हो यहाँ पर भी और यहाँ पर, ये मैंने रेडियम में लगवाए हैं, क्योंकि वैसे वाले स्टिकर बिल्कुल कपड़ा मारते ही छूट जाते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और गाइस नेक्स्ट चेंज जो हम इस बाइक में करने वाले हैं, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, एक तो गाइस इसकी हेडलाइट चेंज करेंगे हम, जो मतलब एक वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि हम कौन सी हेडलाइट डलवा रहे हैं इसमें। और एक गाइस ये हॉर्न इसके बदलेंगे हम, ये हॉर्न बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं।
तो गाइज मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है, हमने कैसे क्या और कहाँ से कराया है। अगर आपको भी मतलब एड्रेस जानना है, ये काम हमने कहाँ से कराया, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एड्रेस दिया है, आप उन भाई से काम करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिलायबल शॉप है, वहाँ से मतलब काम बिल्कुल एक नंबर का होएगा आपका भी अगर आप कराओगे तो, और डिस्काउंट भी बहुत अच्छा देते हैं वो भाई। और गाइज वीडियो किसी भी एंड पर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए आप, क्योंकि वहाँ पर मैं इस बाइक की मतलब अच्छी अच्छी रील्स डालता रहता हूँ। और गाइज अगर आपको भी इसी तरीके का कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।